दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का विषय है, अपन रजिस्ट्री करवाते हैं कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, चाहे फ्लैट खरीदें, चाहे ज़मीन खरीदें, चाहे आप मकान खरीदें, विला खरीदें, कुछ भी खरीदते हैं तो उसका ज़्यादातर जगह जो ऑप्शन आता है वो आता है रजिस्ट्री करवाते हैं अपन। तो उसको सेल डीड रजिस्टर्ड होती है, वैसे उसको सेल डीड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो रजिस्ट्री वाले दिन अपने को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या होता है अधिकतर लोग क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी लेते हैं पसंद आ जाती हैं तो कई चीज़ों को देखते नहीं है, कई चीज़ों को अपने ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा ये दोनों के लिए हैं, सेलर और बायर दोनों के लिए। सेलर भी कई बार कई गलतियाँ कर जाता है, तो दोनों पार्टीज़ को अपने को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जब भी रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और काफ़ी गर्मी भी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिस होता है तो वहाँ कई सुविधाएं नहीं होती है। तो आदमी क्या होता है कि जल्दी के चक्कर में, या बोले यार फटाफट फ्री हो जाऊं मैं, उस चक्कर में कई बार कई चीज़ें नहीं देखते हैं, कई बार नहीं पढ़ते हैं। और जो लॉयर है या जो भी रजिस्ट्री करवाते हैं वो लोग भी क्या बोलते हैं ज़्यादातर कि आपका एड्रेस चेक कर लीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड चेक कर लीजिए, बाकी डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं अपन। तो मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग, दोनों पार्टीज के लिए सेफ रहेगा ये, चाहे आप बायर है चाहे सेलर है, दोनों के लिए ठीक ये रहेगा कि आप रजिस्ट्री वाले दिन से दो दिन पहले, जिस दिन रजिस्ट्री होनी है उससे दो दिन पहले आप उसका ड्राफ्ट मंगा लें या उसकी फोटोकॉपी आप मंगवा लें। जो भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसकी कॉपी को पूरी अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें कुछ सेट पर मतलब वो मैटर आता है जो बोलते हैं ये तो सेट होता है, ये एज इट इज सब सरते रहती है सर। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन प्लॉट दे रहे हैं या खेती की ज़मीन दे रहे हैं या फ्लैट दे रहे हैं, सब जगह अलग अलग शर्तें होती है। तो उन चीज़ों को पढ़ें, जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसको हटा दें, या आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई उससे शर्तें तय हुई है कि मैं ये दूंगा, मान लीजिए सेलर है, सेलर ने कोई मकान दिया या विला दिया, तो विला में क्या क्या चीज़ें वो एक्स्ट्रा देंगे वो यदि चीज़ें उसमें मेंशन करवानी है, वो सेट जो परफॉर्मा होता है उसमें नहीं आती है, सेट जो फॉर्मेट आता है उसमें नहीं आती है। तो आपको ये चीज़ें लिखवा लेनी चाहिए रजिस्ट्री के अंदर और अच्छी तरीके से पढ़ ले। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अच्छे एडवोकेट से आप राय ज़रूर ले सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फीस नहीं लगती है। आप रजिस्ट्री जिनसे करवा रहे हैं उसके अलावा दूसरे वकील से भी आप यदि ये सेट पर जो ड्राफ्ट है वो यदि आप चेक करवाते हैं तो 1000-1200 रुपये से ज़्यादा नहीं लेते हैं, 500 से 1000 रुपये में वो बता देते हैं सर इसमें ये आपको नोट डलवा लेना चाहिए, ये चीज़ डलवा लेनी चाहिए। तो ये चीज़ अपने को ध्यान जरूर रखनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती अपन यही करते हैं कि वह भीड़ को देखते हुए या कई बार जानकार को देखते हुए, अपने रिश्तेदार जानकार के थ्रू यदि कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो अपन वह अंधा विश्वास कर लेते हैं। ये मैटर होता है रजिस्ट्री केस में। रजिस्ट्री क्या होता है कि जब अपन करवाते हैं तो वो ये मान के चलिए कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, 1-2 लाख की नहीं है, 10-20 लाख, 50 लाख, 1-2 करोड़, और उसमें जो पैसा जाता है वो आपका लाइफ का बहुत बड़ा पैसा जाता है। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको बरसों पहले से छोटे छोटे पेमेंट आपको बचा के, छोटा छोटा अमाउंट बचा के इकट्ठा करके प्रॉपर्टी ली जाती है। तो इस चीज़ के अंदर आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेन चीज़ होती है पेपर्स, पेपर्स के मामले में आपको ये सावधानी रखनी है, मतलब जो लिखवा रहे हैं उनमें ये चीज़ों का ध्यान रखिए। अब सेकेंड चीज़ आता है वो आता है आपके पेपर्स। अधिकतर लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले सारे पेपर्स चेक नहीं करते हैं, ओरिजिनल पेपर ज़रूर देखें अगले के साथ फोटोकॉपी के बाद में। यदि फोटोकॉपी से आपने सौदा तय कर लिया तो उसके बाद आप पेमेंट देते टाइम जब भी आप एड्रेस अमाउंट मतलब बुकिंग अमाउंट देते हैं तो उस टाइम आपको पूरे पेपर्स ओरिजिनल देखने चाहिए, कितनी बार उसकी रजिस्ट्री हुई है, उन रजिस्ट्री की कॉपी है कि नहीं है। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी 5 बार बिक चुकी तो उसकी 5 तो रजिस्ट्री मिलेगी, 5 रजिस्ट्री से पहले अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, या जिस सेक्टर में जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है वो चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा इन चीज़ों को आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। मान लीजिए अलॉटमेंट लेटर है तो उसको आप उस डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, और जिसने भी लिया है रजिस्ट्री कराने के बाद उसने ट्रांसफ़र कराया कि नहीं कराया वो डिटेल भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाती है, तो वो अपने को देखना चाहिए। इसके बाद ओरिजिनल पेपर लेते टाइम और देते टाइम दोनों को ध्यान ये रखना है, लेने वाले के लिए भी फायदा है और देने वाले के लिए भी फायदा है।
जब भी रजिस्ट्री हो जाती है तो उसके बाद ओरिजिनल पेपर आप पार्टीज को देते हैं, बायर को देते हैं, तो बायर के लिए भी फायदा है और सेलर के लिए फायदा है। क्या फायदा है, आप जितने पेपर्स दे रहे हैं, मान लीजिए आप एक रजिस्ट्री दे रहे हैं, एक अलॉटमेंट लेटर दे रहे हैं, या रिसिप्ट दे रहे हैं कोई, या हाउस टैक्स की दे रहे हैं, कि या बिजली का आपका बिल है या पानी का बिल है, उनके डॉक्यूमेंट्स आप यदि दे रहे हैं, तो उनका एक सिर्फ चाहे सिंपल पेपर पे या एक पाइप पेपर पे लिखित में दोनों आप रख सकते हैं। दोनों के लिए फायदेमंद होता है कि मैंने ये पेपर आपको ओरिजिनल संभाला दिए हैं। उसको बैंक की भाषा के अंदर बात करें तो LOD बोलते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो पेपर आप हैंड ओवर कर रहे हैं, मान लीजिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक को जो पेपर देते हैं, तो बैंक उसका एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट LOD देता है। उसमें वो देते हैं कि ये आपने अलॉटमेंट लेटर दिया, ये आपने रजिस्ट्री की कॉपी दी है, ये आपके हाउस टैक्स की रिसिप्ट है। तो वो सारी चीजों की आप एक पाई पेपर पे लेके और उसको वही नोटरी से आप नोटरी करवा सकते हैं। तो वो दोनों के लिए फायदेमंद होता है। कल को बायर बोल सकता है कि मेरे को ये चीज नहीं दी, सेलर बोल सकता है कि मैंने तो ये चीज आपको दे दी, आपने सही ढंग से नहीं रखी होगी। तो लिखित में कर ले तो ज्यादा बेटर रहता है। ये रजिस्ट्री केस की बातें कर रहा हूँ मैं सारी चीजें, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसके अंदर कई इस बार दिक्कत होती है, मेरे किसी जानकार के भी हुई थी, उनके एक रिसिप्ट नहीं मिल पाई थी, तो रास्ता उसका निकाला था, लेकिन उस टाइम यदि पेपर देख लेते तो ये दिक्कत नहीं आती। रास्ते तो हर चीज के निकलते हैं, लेकिन अपने को ये सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं होती, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद कब्जा। अब क्या होता है कि जब अपन रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उस टाइम उसमें लिखा होता है कि सेलर ये लिखता है कि मैंने ये कब्जा इनको संभला दिया है, जबकि प्रैक्टिकल में ये चीज होती नहीं है। तो इसके लिए आप कब्जा पहले लें और उसके बाद रजिस्ट्री कराएं आप मौके पे जाके। इसके अलावा कई बार मान लीजिए कोई मकान बना हुआ है या विला बना हुआ है या फ्लैट बना हुआ है, तो उसमें किराएदार रह रहा है, तो जो लेने वाला होता है उसका भी लोभ ये होता है कि मैं फिर किसी किसी को किराए दे दूं। तो हमेशा ये चीज 101% ध्यान रखें, किराएदार को खाली जरूर कराएं। किराएदार को खाली कराने के बाद में ही आप रजिस्ट्री कराएं, और सेकेंड दूसरा किराएदार आप बाद में रख सकते हैं। उस किराएदार के भरोसे नहीं रहे, उसमें कहीं ना कहीं कई बार कई पॉइंट्स निकलते हैं, कौन है वो, कौन नहीं है, जानकार है या और है, वो खाली नहीं करता है, कई प्रॉब्लम्स आती है, ये बहुत सारे लोगों के साथ आती है प्रॉब्लम। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। आप रजिस्ट्री कराते हैं उस टाइम में कब्जा लें और मकान खाली कराएं किराएदार है तो। इसके बाद आता है गवाह। ये बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, गवाह के अंदर कोई भी मिलता है उससे साइन करवा देते हैं, या वहां पे मान लीजिए उसी वकील को बोलते हैं यार गवाह तो आप बता दीजिए, वो कोई किसी के भी साइन करा देता है, किसी को 500 रुपए दिए, किसी को 200 रुपए दिए, साइन करवा लिए। मैं बायर और सेलर दोनों को लिए एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, वो यह है, बायर की तरफ से एक गवाह और एक सेलर की तरफ से होना चाहिए हमेशा। उसमें ब्लड रिलेशन वाले नहीं होने चाहिए। यदि आप पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा रहे, पति को गवाह बना दिया, या पिता को गवाह बना दिया, बेटे के नाम रजिस्ट्री हो रही है, तो वो गलत हो जाता है, कोर्ट उस चीज को नहीं मानता है। तो हमेशा गवाह अपने जानकार यार दोस्त को बनाए, रिश्तेदार को नहीं बनाए, या अदर कोई मान लीजिए रिश्तेदार भी है, आउट का मतलब खून का नहीं है, दूर का रिश्तेदार है, तो उनको आप गवाह बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा मायने रखता है, ये छोटी सी गलती करते हैं लेकिन ये कई बार बड़ी भारी पड़ जाती है बाद के अंदर। तो गवाह के अंदर दोनों पार्टीज एक एक गवाह हमेशा दोनों अपनी तरफ से रखें, अपने यार दोस्त या जानकार को, या जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं उनके जानकार को भी रख सकते हैं। लेकिन अपने जानकार को रखेंगे तो कल को कोर्ट में कोई तारीख पड़ती है, खुदा न खास्ता नहीं हो ऐसा, मेरी प्रार्थना है, लेकिन हो जाता है तो दिक्कत होती है, तो उस टाइम आपको ये चीज काम में आती है। तो गवाह का विशेष तौर से ध्यान रखें। उसके बाद आता है पेमेंट की बात करें। अधिकतर क्या होता है कि प्रॉपर्टी के अंदर पेमेंट्स की बात करें तो एक नंबर दो नंबर या काला धन की बात करें तो ये गवर्नमेंट से भी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी में होता है, ये मानना पड़ेगा। तो जो भी आपका चेक के अलावा पेमेंट है वो आपका रजिस्ट्री से पहले हो जाना चाहिए 101%। यदि नहीं होता है तो बाद में आप मांगने के अधिकारी नहीं होते हैं। सेकेंड चीज, चेक से रजिस्ट्री नहीं कराएं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें फिर उलझ जाते हैं। प्रॉपर्टी तो आती है, लेकिन मान लीजिए आपने कब्जा दे दिया और चेक लेके रजिस्ट्री करा ली, तो कल को दिक्कत आ सकती है। तो आप रजिस्ट्री कराते हैं उस दिन यदि आपको चेक खाते में नहीं आया, तो आपको या तो DD लेना चाहिए या आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कराना चाहिए। इन दोनों चीज की, चाहे DD है चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर है, उनकी डिटेल्स उस सेल डीड में, उस रजिस्ट्री के अंदर मेंशन होनी चाहिए, तो आपके लिए फायदेमंद रहता है। दोनों के लिए ठीक है ये,
एक पार्टी के लिए ठीक नहीं है, दोनों के लिए ठीक है। पेमेंट वाला जो मैटर होता है वो दोनों के लिए ठीक होता है। कई बार मान लीजिए बायर ने पेमेंट दे दिया और सेलर ने कोई दिक्कत कर दी या सेलर ने कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी तो दिक्कत आती है। सेम एज इट इज सेलर के लिए भी होता है, बायर ने चेक दे दिया और वो चेक बाउंस हो गया, कब्जा अगले ने ले लिया तो खाली कराना मुश्किल हो जाता है, फिर कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप जो पेमेंट है वो DD से लें या ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लें। इसके अलावा एक चीज और रहती है, छोटी सी चीज है वैसे ये, लेकिन ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी अपन रजिस्ट्री कराते हैं तो उन पेपर्स की कलर फोटोकॉपी करवा के जरूर रखें, ज्यादा बेटर रहता है। यदि ब्लैक एंड व्हाइट भी रखते हैं तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम में यदि कलर कॉपी रखते हैं, सेलर के लिए भी बोल रहा हूँ, बायर को तो रखनी ही रखनी है, बायर के पास तो ओरिजिनल पेपर चले जाते हैं, फिर भी मान लीजिए बायर बैंक से लोन ले रहा है तो प्रॉपर्टी पेपर हमेशा बैंक में चले जाते हैं। तो दोनों पार्टी को, सेलर को तो रखना ही रखना है, सभी डॉक्यूमेंट्स की कलर फोटोकॉपी, रजिस्ट्री है चाहे उनके, ज्यादा कोई बड़े पैसे नहीं लगते हैं, 1,500 रुपये लगते हैं, तो वो कलर कॉपी आपको रखनी चाहिए। और बायर को भी कलर कॉपी रख लेनी चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है। ब्लैक एंड व्हाइट रखे ठीक है, नहीं तो PDF में भी रख सकते हैं। तो ये चीज जरूर रखें। कई बार क्या होता है कि पेपर गुम हो जाते हैं, आप बैंक के अंदर रखा है, बैंक के अंदर आग लग गई तो पेपर गायब हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में ये काम पेपर आपके काम में आते हैं, उस डिपार्टमेंट से आप उनको वेरीफाइड करा के वो पेपर काम में ले सकते हैं। बैंक लोन के अंदर विशेष तौर से अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बैंक वाले जब रजिस्ट्री होती है उसी दिन वो पेपर डायरेक्ट बैंक लेके जाता है, क्योंकि तभी वो DD देता है, बैंक का वकील आता है, तो उस टाइम अपने को इन फोटोकॉपीज को रखना जरूरी होता है डॉक्यूमेंट्स की। तो रजिस्ट्री कराते टाइम ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी काम आती है, क्योंकि अपन जो प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें लाइफ का पूरा पैसा जाता है, और पैसा छोटा छोटा पैसा बचा के और अपन एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कुछ न कुछ अपने जो सुख सुविधाओं में उनमें कटौती करते हैं और प्रॉपर्टी अपन परचेज करते हैं। तो रजिस्ट्री कराते टाइम या रजिस्ट्री वाले दिन इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। दोस्तों इससे संबंधित आपको कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं, क्योंकि किसी न किसी को फायदा जरूर होता है। दोस्तों आप इसी तरह से स्नेह बनाए रखें और कमेंट जरूर करें, यदि इसमें कोई कमी लगती है तो उसके लिए जरूर सुझाव दें। मैं उन लोगों की ज़्यादा इज्जत करता हूँ जो सुझाव देते हैं, क्योंकि सुझाव देने वाले जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं, अच्छा बोलने वाले या वो ज्यादा होते हैं। तो आप ये जरूर करें, कमेंट जरूर करें। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।